अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज जो हमारा पांचवा दिन है टूर्नामेंट का और ये पहला मैच है पांचवें दिन का, तो आज मैंने आपके साथ पॉइंट्स टेबल भी शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और ग्रुप की जो लिंक है वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो अगर हम बात करेंगे इस मैच की, तो हमारे साथ 14 टीम्स अभी बनी है और 48 ये बंदे जुड़े हैं हमारे साथ। तो अभी प्लेन चल रहा है, अभी हम देखेंगे कौन कहां पे उतरेगा, कितनी स्क्वाड्स कहां पे उतरेगी और फाइट कहां पे लगेगी। पॉइंट्स टेबल के हवाले से मैं आपको बता दूं, जो अनरजिस्टर्ड टीम्स थी उनको मैंने पॉइंट्स टेबल में इंक्लूड नहीं किया है। और एक जगह पे एक टीम ने जीता था, वो एक ही बंदा था, उसने चिकन डिनर जीता, दो बंदे थे चिकन डिनर जीता, तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो जो दूसरे नंबर पे था तो चिकन डिनर उनके नाम हो गया, उनको मैंने पहली पोजीशन दी। बात करेंगे मिलिट्री बेस में एक स्क्वाड उतरा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे WRT ब्रावलर एक अकेले बंदे हैं मिलिट्री बेस में उतरे, और पोचिंग की तरफ बढ़ रहे हैं दो टीम्स। पोचिंग की बात करेंगे तो हमारे वहाँ बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा। एक तो ये टीम के अमर किंग्स हैं, ये जा रहे हैं पोचिंग की, और दूसरा टीम जो है 4RB की टीम है, वो भी जा रहे हैं पोचिंग की। बाकी अगर हम बात करेंगे मैप की, तो स्कूल बहुत 3-4 स्क्वाड्स उतरी हैं। स्कूल की बात करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फाइट होने वाली है स्कूल में, क्योंकि 3-4 स्क्वाड्स उतरी हैं। पोचिंग की में 2 स्क्वाड्स उतरी हैं, और यहाँ पे बीच जोन पता नहीं कहाँ पे उतरे हैं 2-4 स्क्वाड्स। यह स्नायब में 4 स्क्वाड्स उतरी हैं, ओ भाई क्या फाइट होने वाली है स्नायब में। अभी जो सर्कल है वो तो इस साइड से बना, मिलिट्री बेस के साइड, सॉरी पावर प्लांट के फार्म के साइड से, मिल्टा के साइड से। तो पोचिंग में अभी 2 स्क्वाड्स बनी है और स्कूल में भी बनी है, और इधर की बात करेंगे तो इधर भी बनी हुई है। अगर हम इस टाइम जाएंगे ग्राउंड ओवरऑल पे, तो F4 की स्क्वाड जो है फेयरलेस 4 बहुत अच्छा खेल रही है, दूसरे नंबर पे हैं पॉइंट्स टेबल पे। तो अभी ये लोग उतरे हैं और यहाँ पे उतरे हैं, कहीं दूर उतरे हैं, आप यहाँ से देख सकते कोरी के करीब या घटका के करीब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जंबलिंग हो रही है, यहाँ पे MDY RX टॉक ने नॉक कर दिया है, RX की फाइट हो रही है इस टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ फाइट हो रही है स्कूल में, पहले ही बोला था मैं 2 स्क्वाड उतरी है स्कूल, T3 को पूरा फिनिश कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे FPP खेल रहे हैं RX रॉकी। बात करेंगे तो एक बंदा है वहाँ पे टीम 22 का नीचे है, आप देख सकते हैं एक्स डिस्ट्रॉयर टीम 20। ओ भाई फाइट हो रही है यहाँ पे, एक और ओ यहाँ पे नॉक कर दिया है, नॉक कर दिया, ओ क्या फाइट हो रही है यहाँ पे भाई साहब, दो बंदे नॉक हो चुके हैं, और यहाँ से नीचे से थर्ड पार्टी करते हुए टीम 22 इसी के साथ पूरा फिनिश कर दिया है, पूरा फिनिश कर दिया है टीम को। क्या खेल रहे हैं भाई साहब, बहुत ही अच्छा खेला टीम 22 ने। टीम नंबर 7 पूरी तरफ से वाइप हो चुकी है इस यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे कश्मीर KMR किंग्स की, तो KMR किंग्स में एक बंदा पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, पोचिंग की में बने हुए हैं, अभी वाइप कर दिया है यहाँ पे पुष्पा स्क्वाड को, शायद पुष्पा ही है नाम है, पूरा नहीं पता है मुझे। तो पोचिंग की अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो आराम से लूट रही हैं 4 टीमें, यसनाया में एक बंदा जो है वो बहुत ही करीब है MDY का, दूसरी टीम के करीब है वो। तो इनके सामने एक और स्क्वाड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 4RB की स्क्वाड, टीम 5 और टीम 16 शायद है, नहीं टीम 23
आमने सामने। गाइस अभी मज़ा आने वाला है क्योंकि फाइट ज़बरदस्त होने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दो बंदे बने हुए हैं इस बिल्डिंग में, और यहाँ पे भी बंदे बने हैं 23 के, टीम 23 के। इनके बीच में फ़ाइट होने का ज़्यादा ख़तरा नहीं है, चांसेस नहीं है। अगर हम यहाँ की बात करेंगे स्कूल की, तो स्कूल में भी टीम्स बनी हुई हैं अभी। बेन राशिद हंडर प्रो की बात करेंगे तो पता नहीं कहाँ से दौड़ रहे हैं, यहाँ यसनाया के करीब हैं। यसनाया में एक टीम भाग चुकी है यसनाया से। एचएम शैडी ने डिस्ट्रॉयर को नॉक कर दिया है। यहाँ पे फाइट हो रही है, आई थिंक स्कूल में हो रही है। आप देखिए यहाँ पे 3 किल्स की थी डिस्ट्रॉयर ने, लेकिन पूरी तरह से फाइट हो रही है यहाँ पे स्कूल में। इनके सामने अगर हम बात करेंगे तो इनके सामने टीम 25 है, एक बंदा बचा है। मोल चोन की हेल्थ बहुत कम है। अबरार नूक बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लूसीफर नीचे वाले फ्लोर में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हील कर रहे हैं, और नीचे वाले फ्लोर में लूसीफर बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फाइट थी यहाँ पे। पहले एक स्क्वाड को वाइप किया, टीम नंबर 7 को वाइप किया। F4 साहिल की बात करें तो F4 मुकीत को पूरा फिनिश किया है। F41 और F42 आपस में लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल के करीब इनकी फाइट हुई है। तो इनके साथ एक और टीम भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे F4 की टीम है। ओपन में बैठे हैं, कभी भी स्प्रे पड़ सकता है क्योंकि इन पे बनी टीम जो है F4 टॉक्सिन जो है वो इन पे देख रहे हैं, इन पे ही उनकी एम बनी हुई है अभी। F4 साहिल की हेल्थ कम है, F4 उमर की हेल्थ भी कम है, F4 साजिद वाइटी की हेल्थ भी कम है, और F4 टॉक्सिन की हेल्थ कम है। बहुत अच्छा खेल रही है F4 की टीम फ़िलहाल के इस टूर्नामेंट में, क्योंकि दूसरे नंबर पे हैं। उससे अच्छा भी खेल, और रेगमोट वाइटी ने यहाँ पे नॉक कर दिया है। पहले नंबर पे जो टीम है टीम 14 की बात करें, फिनिश कर दिया है पूरा। यसनाया में इनकी फाइट हो रही है। टीम 8 आमने सामने, ओ बीस्ट यहाँ पर नॉक करने की कोशिश। ओ देखिए कितना हेल्थ है इसका, बहुत ही कम हेल्थ। समझ ही नहीं आ रहा है कैसे मार रहे हैं। ओ भाई क्या फाइट हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से पड़ रही है। नथिंग विजिबल। ओ भाई MDY टाइगर को थोड़ा सा ये देने की, लेकिन मोल चोन यहाँ पर वहाँ से भी फाइट चल रही है। मोल चोन ने नॉक कर दिया है, बहुत ज़बरदस्त फाइट। ओ क्या खेल रहे हैं यहाँ पे 4RB की टीम और टीम नंबर 25 की फाइट हो रही है यहाँ पे। पूरी तरीके से टीम नंबर 25 को वाइप कर दिया है, एक एक किल कर चुके हैं। अच्छी कोशिश थी इनकी, स्कूल में फाइट कर रहे थे। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो 2-3 स्क्वाड्स यहाँ पे मौजूद हैं अभी। MDY बीस्ट बने हुए हैं, MDY टाइगर भी बने हुए हैं, और दूसरी साइड से देखें टीम 8 के भी बंदे बने हुए हैं। नेड मारने की कोशिश, MDY फिरदोस हैं वो यहाँ पे लेटे हुए हैं, रूफ पे छत पे चढ़े हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे बने हुए हैं। तो कोशिश करेंगे कि नॉक करेंगे एक बंदे को, 14 टीम 14 के प्लेयर्स को एक बार नॉक करेंगे। तो 3 ही बंदे हैं आई थिंक, इनका एक बंदा शायद मर गया है MDY उर्दू। तो अगर हम बात करेंगे हाँ, MDY स्मोक ही मर चुके हैं आज। MDY और नहीं खेल रहे हैं इनके साथ। देखिए कितने नेट्स पड़ रही हैं, 4 ओर से बंदे, फाइट होने का खतरा है। थर्ड पार्टी हो सकती है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टीम 8 के भी बंदे मौजूद हैं। यहाँ पे सुप्रे मारने की कोशिश, MDY टाइगर करीब हैं, बिल्कुल काइसर के करीब हैं, दूसरी वाली बिल्डिंग में हैं। यहाँ पे बने हुए हैं छत पे। रेगमोट वाइटी ने नॉक कर दिया है यहाँ पे डेमोन जेरी को पूरा फिनिश करेंगे। रेगमोट वाइटी को नॉक कर दिया गया है फिर दोस्त की तरफ से। बहुत ही अच्छा स्प्रे मारा है रेगमोट ने, पूरा किल कर फुल। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं दूसरे साइड से बने हुए हैं। ओ डैमेज दिया यहाँ पे, काइसर को नॉक कर दिया गया है।
दो बंदे नॉक हैं टीम 14 के, यहाँ पे रश करने की कोशिश करेंगे टीम नंबर 8 थर्ड पार्टी करेंगे, इनका एक बंदा पूरी तरह से नॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जेरी डेमोन जेरी जिसको रैगमोंट वाइटी ने नॉक किया था, बहुत ही अच्छी फाइट हो रही है यहाँ पे अभी यसनाया में। वो यहाँ पे फिर दोस्त का सुप्रे आते हुए, फिर दोस्त पे सुप्रे पड़ा, नॉक कर दिया है फिर दोस्त को रैगमोंट वाइटी ने, बहुत ही ज़बरदस्त सुप्रे मारा है। यहाँ पे दो बंदे इनके क्या स्ट्रेटजी अपनाई है यहाँ पे टीम 14 ने, दो बंदे इधर बैठे दो बंदे उधर बैठे हैं, तो रिवाइव करेंगे अब अभी पूरी तरह से रिवाइव करेंगे अपने टीममेट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइट हो रही है, तो MDY फिर दोस्त रिवाइव हो चुके हैं, तीन बंदे फिर से बचे हैं। अभी टीम 8 की बात करेंगे तो टीम 8 के भी तीन बंदे हैं और टीम 14 के चार पर मीर रावी ने नॉक किया है यहाँ पे, WRT ब्रावलर ने TXX राइजन को नॉक किया है, 4AB आसिफ ने जॉन शाह को नॉक किया है। भाई क्या फाइट चल रही है यहाँ पे, अगर हम दूसरे साइड से जाएंगे तो फाइट बहुत बढ़िया हो रही है यहाँ पे, जॉन शाह को पूरी तरह से किल कर दिया गया है। अब देखिए ये फाइट जो हो रही है अभी ड्रॉप के करीब ही है, तो 423 टीम की नीचे है और टीम 16 भी बने हुए हैं, नॉक कर दिया है 4AB को, रावी भी नॉक है। ओ भाई नेड मारा, क्या नेड मारा है ब्रावलर ने, बहुत ही जबरदस्त नेड मारा है, पूरी तरह से नॉक किया, कोशिश कर, ओ दूसरा नेड और फिनिश करते हुए, क्या खेल रहे हैं ब्रावलर, हंगरी एवल को पूरी तरह से नॉक कर दिया है नेड से, फरजान भट्ट ने बीस्ट को नॉक कर दिया और यहाँ पर उबैर भी नॉक हो गए, फाइट चल रहे दो दो साइड से, WRT ब्रावलर बने हुए हैं, प्रिया भी बने हुए हैं, 4RB भी यहाँ पे बने हुए हैं और पूरी तरह से टीम 16 को फिनिश कर दिया है यहाँ पे 4RB की टीम ने। WRT ब्रावलर जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आई थिंक टीम अप कर लिया है इन लोगों ने। ओ ब्रावलर ने फिनिश कर दिया है पूरा, क्या खेल रहे हैं ब्रावलर, चार फिनिशेस किए हैं अकेले में, चार फिनिशेस किए हैं, बहुत ही बढ़िया खेल खेल रहे हैं ब्रावलर, थर्ड पार्टी कर लिया है यहाँ पे। तो फिर दोस्त की बात करेंगे हम, यहाँ पे बने हुए हैं जोन में, अभी जोन में ही है, तो यहाँ पे इनके सामने टीम 14 है, टीम 4 के सामने टीम 14 है और यहाँ पे एक और टीम भी। ओ भाई प्ले जोन से नॉक होती है, ओमान जेरी कुछ नाम है, बने हुए हैं T3 टारगेट जिंदा है अभी, MDY टाइगर भी जिंदा है, MDY बीस्ट, MDY फिर दोस्त, यहाँ पर T3 टारगेट अकेले बंदे बचे हैं शायद टीम 8 के, हाँ अकेले बंदे हैं, यहाँ पर उबैर की हालत बहुत ज़्यादा कम है, लूट करना चाहेंगे टाइगर, आप देख सकते हैं टाइगर कितनी दूर हैं, दूसरी साइड से हैं, फाइट यहाँ पे होने वाली है लेकिन मुझे नहीं लग रहा। ओ यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सुप्रे मारते हुए 5N उबैर ने नॉक कर दिया, फिनिश कर दिया पूरा T3 टारगेट को, एक ही बंदा बचा था उसको भी नॉक कर दिया, अभी दो ही टीमें यहाँ पे हैं, टीम नंबर 4 और टीम नंबर 14 बची हुई हैं। ब्रावलर जो है बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं क्योंकि अकेले में चार किल्स कर चुके हैं, एक स्क्वाड को वाइप, दो स्क्वाड्स को वाइप किया, दो ग्रेनेड्स मारे वो भी बहुत ज़बरदस्त ग्रेनेड्स थे। तो यहाँ पे स्मोक से जाते हुए लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रे लिट करते हुए पूरा जोन में आएंगे, जोन में आने की कोशिश, जोन में आ चुके हैं दो बंदे, टीम 14 के जोन में आ चुके हैं। बात करेंगे MDY की, तो एक बंदा जोन में है, दो बंदे जोन से बाहर हैं, दूसरे साइड से आ रहे हैं जोन में, मतलब दूर से क्योंकि यहाँ से बंदे हैं तो बचना चाहेंगे बंदू से, यहाँ पे मुझे लग रहा है इन बिल्डिंग्स में उतरेंगे और फिर छत पे चढ़ेंगे, इन बिल्डिंग्स में आए हैं ये अपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं, तो इन यहाँ पे आए हैं तो जोन में आने की कोशिश करेंगे फ़िलहाल के लिए, तो तीन चार सब बंदे जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो MDO स्क्वाड की बात करेंगे, दोनों बंदे जोन में आ चुके हैं, इनका तीसरा बंदा गायब है, टाइगर जो है टाइगर बने हुए हैं, तो बीस्ट कहाँ पे हैं, बीस्ट यहाँ पे जोन में ही हैं और एक बंदा इनका है जो फिरदौस हैं, वो बहुत दूर है जोन से बाहर है, दूसरी साइड से जोन में आने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करेंगे दूसरे किसी स्क्वाड की, यहाँ पे 100 Pro की स्क्वाड की बात करेंगे, तो 100 Pro की स्क्वाड अभी पूरी तरह से देखिए कैसे बैठे हुए हैं, तैयार हैं, कहाँ कैसे आगे से बंदे आए तो उनको मारने के लिए तैयार हैं,
अभी देखेंगे कुछ कर पाएंगे या नहीं। प्लेयर तो अच्छे हैं लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं देती है। उसके बाद हम टीम नंबर 14 की बात करें तो 5 किल्स किए हैं। फियरलेस 4-2 की टीम जो है 0 किल्स पे हैं। ब्लड कुछ इनका नाम है तो ब्रावलर ने यहाँ पर नॉक कर दिया फॉर मोसिन को। अब इतने WRT ब्रावलर को फिनिश कर दिया, पूरी तरह से गए, नॉक कर दिया था WRT ने। बहुत ही अच्छा खेले थे, 4 किल्स किए हैं, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे। अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। नॉक कर दिया था मोसिन को, रिवाइव हो चुके हैं मोसिन। फेयरलेस फोर की टीम नंबर टू है ये। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं इस टूर्नामेंट में। जोन करीब आते हुए 20 बंदे बचे हैं, 6 टीमें अभी अलाइव हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी टीम्स आ रही हैं 100 प्रो की तरफ, जो टीम नंबर 12 है उनकी तरफ सारी टीमें आ रही हैं। आई थिंक रश होगा वहाँ पे। रैग मॉट वाइटी और फिर दोस्त आमने सामने हैं। MDY फिर दोस्त की बात करेंगे तो रैग मॉट इनके सामने तो यहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बढ़िया स्प्रे वहाँ पर रैग मॉट वाइटी का, पूरी तरह से किल कर। अब ओ यहाँ पे इसको यहाँ पर पैन मार दिया है, बहुत ही जबरदस्त क्या खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओ यहाँ पे पढ़ते हुए MDY बीस्ट को और नॉक होते हुए पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे। एक ही बंदा बचा है MDY टाइगर, उसको भी लेकिन नहीं, वो बचे हैं अभी, दूर हैं अभी, भाग रहे हैं। बहुत ही अच्छा खेल रही है 5 Fame ई स्पोर्ट्स की टीम। अभी आना चाहेंगे जोन में लेकिन आगे इनके बंदे हैं। यहाँ से बात करेंगे तो ड्रॉप कहाँ कहाँ पे पड़ा है आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बंदे बचे नहीं हैं क्योंकि खेल ही नहीं रहे थे ज़्यादा बंदे। खाली 48 बंदे हमारे साथ जुड़े थे। 4 AB ने आबिद को नॉक किया है, F4 मोसिन ने नॉक किया है 4 AW। यहाँ पर फाइट हो रही है दो टीमों की, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइट हो रही है इन दोनों टीमों की, जो भी बने हुए हैं यहाँ पे मिल्टा में। तो F4 की स्क्वाड भी वहीं पे है। 1 किल कर चुके हैं साहिल, तो भाग रहे हैं फिलहाल। अगर आप बात करेंगे 5 Fame उबैर की, यहाँ पर आमने सामने आ रहे हैं दो दो बंदे। यहाँ पे टीम नंबर 20 यहाँ पर शीशा तोड़ दिया है और पूरी तरह से एम लगाए बैठे हैं F4 की टीम पे। 6x लिए हैं, स्क्वाड हाउस में है F4 की टीम। बहुत अच्छा खेलती है F4 की टीम, मुझे लग रहा है आज का चिकन डिनर भी यही जीतेंगे। रैंक मॉट वाइटी ने 3 किल्स किए हैं, बहुत अच्छा खेल है। उबैर ने 3 किल्स किए हैं, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। यहाँ पर नीचे गए, देखिए कितना अच्छा मौका था मारने का, लेकिन ओपन में आ रहे हैं तो नहीं बचेंगे। जूनिस यहाँ पर इनके दूसरे पीछे अगर बात करेंगे हम तो इनके पीछे इनकी टीम है, तो भाग रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप कैसे भाग गए। तो यहाँ पे भाग रहे हैं F4 की टीम, पता नहीं कहाँ जाना है इनको। हंटर प्रो की टीम यहाँ पे बनी हुई है अपनी जगह पे, प्रिजन के करीब जा रही है टीम 14। फाइट में मजा आने वाला है, देखिए सब लोग इधर आ रहे हैं, जोन में आ रहे हैं, कोई भी बंदा जोन से बाहर नहीं है। 15 बंदे बचे हैं। यहाँ पे F4 की स्क्वाड और F4 AW कुछ ब्लड्स बीस्ट्स कुछ ऐसा ही नाम है इनका, तो आमने सामने हैं, देखना है क्या होगा, अब फाइट होगी या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना करीब आ रहे हैं MDY की MDY टीम। अगर हम MDY टाइगर की बात करेंगे बहुत करीब हैं, 100 प्रो के स्क्वाड के करीब हैं, तो इस पर रश होने की कोशिश करेंगे। नेड आया कुछ समझ ही नहीं, अथर आ रहे हैं दूसरी साइड से, मुझे लग रहा है नहीं बच पाएंगे, बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर 100 प्रो ने पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं 100।